मेरा नाम सनी रहमान है और मैं बांग्लादेश से हूँ। ज्यादातर लोग मुझे वीडियो ब्लॉगर और कार्टूनिस्ट के हिसाब से जानते हैं। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं अपने आप को इंसान बताता हूँ और मेरा धर्म इंसानियत है। मैं ज्यादातर जितना भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो सारे बंगाली में होते हैं, क्योंकि मेरा जितना भी ऑडियंस वगैरह है सारे बांग्लादेश और कलकत्ता से है, यानी बंगला समझने वाले। ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ बंगला बोलने वालों के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। पूरे हिंदुस्तान को बताने के लिए मुझे ये हिंदी में बोलना पड़ रहा है। मसला ये है कि मैं काफी दिन से सोशल नेटवर्किंग साइट, फिर यूट्यूब, फिर कई सारे न्यूज पोर्टल जो है उसमें मैं देख रहा हूँ कि 3 तलाक वगैरह, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हाँ, इसके ऊपर बहस चल रहा है। तो सबसे मजेदार चीज मैंने ये नोटिस किया, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो ज्यादातर औरतों को घेर के लॉ बनाया गया है, यानी औरतों को कैसे यूज किया जाए, औरतों को कैसे हम स्लेव बना के रख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सबसे मजेदार चीज ये है कि अगर कोई खून करता है तो उसको खूनी कहा जाता है, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन से हो। लेकिन शादी करने जाए कोई तो देखा जाता है कि उसको पूछा जाता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ तो वो कि एक शादी कर लो, सारी जिंदगी भर इसी को झेल लो, यानी तुम एक ही शादी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मुस्लिम जाता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, ओके आज एक कर लो और बाकी 3 बाद में आके करके जाना। और मजे का बात यह है कि अगर कोई मुस्लिम अपने औरत को तलाक देना चाहता है, सिर्फ ये बोलने का देरी है तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक बोल दिया वो औरत गया, वो मेरा वाइफ है ही नहीं, उसको मैं जानता नहीं, और उसका जो सिक्योरिटी मनी वगैरह है वो देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू अगर अपने औरत को डिवोर्स देना चाहे तो उसको लॉ के थ्रू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू में जाना पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसमें सिर्फ ये शादी वगैरह का मसला क्यों है, यानी सिर्फ शादी को घेर के क्यों ये लॉ बनाया गया है। शरिया लॉ अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो सारे लॉ को इंक्लूड करो ना, यानी ऐसा होना चाहिए कि एक हिंदू अगर खून करता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाए, अगर मुस्लिम अगर खून करता है तो उसके वो इस्लामिक शरिया लॉ के हिसाब से उसका गला काटा जाए, अगर कोई चोरी करता है अगर वो मुस्लिम है तो उसका हाथ काट दिया जाए, ये भी इंक्लूड होना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। अगर कोई मर्द या औरत पकड़ा जाता है कि वो इलीगल सेक्स कर रहा है किसी के साथ, तो इस्लामिक शरिया लॉ के हिसाब से उसको कमर तक मिट्टी में गाड़ा जाए, फिर उसको पत्थर मारा जाए, यही तो है इस्लामिक लॉ। अगर इंक्लूड करना है तो सारे इंक्लूड करो ना, वो सब क्यों इंक्लूड कर रहे हो जिसमें तुम एक औरत को दासी बना के रख सकते हो। मेरे नजरिए से अभी अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अगर बंद ना किया जाए तो ये मुस्लिम लोग 4 शादियां करके अगले 20 सालों में इतना मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगे। अभी तो इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तब 200 करोड़ जाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। उस 200 करोड़ आबादी में तब हिंदू लोगों को माइनॉरिटी बोला जाएगा, क्योंकि हिंदू लोग तो एक ही शादी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वाइफ से सिर्फ एक ही बच्चा अगर हर साल पैदा हो तो उसको 12 साल लगता है 12 बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन 4 शादियां करके एक मुस्लिम फैमिली में 12 बच्चा पैदा करने में सिर्फ 3 साल लगते हैं, तो 20 सालों में हिंदुओं को माइनॉरिटी बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है, अगर शरिया लॉ अगर एस्टेब्लिश करना है तो सिर्फ औरतों को घेर के नहीं, औरतों को यूज करने के लिए नहीं, सारे शरिया लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल करो। जैसे खून हुआ तो गला काटो, चोरी किया तो हाथ काटो, इलीगल सेक्स किया तो कमर तक उसको गाड़ के पत्थर मारो, या तो हिंदुस्तान में जिस तरीके से ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लीड कर रहा है उस हिसाब से हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, एथिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए। अगर दूसरे रिलीजन का फॉलोअर्स को पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने का कोई परमिशन नहीं मिलता तो मुस्लिमों को भी पर्सनल लॉ बोर्ड चलाने का कोई परमिशन नहीं देना चाहिए। मैं सनी रहमान सारे भारतवासियों के सामने गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन करने के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि शरिया लॉ 1400 साल पुराना है, ये मॉडर्न सोसाइटी के लिए नहीं है। शरिया लॉ जाहिल अरबों के लिए था, यह हिंदुस्तान के लिए नहीं बनाया गया था। शरिया लॉ 1400 साल पुराना है, वो 1400 साल पुराना लॉ को 2016 में एस्टेब्लिश करना पागलपन है। मुस्लिम लॉ बोर्ड को बैन करें, और सारे हिंदुस्तानियों की तरह मैं भी बोलना चाहता हूँ, जय हिंद।